जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज बॉलीवुड में, जी हां दोस्तों, ड्रग्स के मामले को लेकर संसद में गुड़ दी आवाज। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे जया बच्चन और कंगना रनौत के बीच, जी हां दोस्तों, जारी हुआ विवाद, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे राजनाथ सिंह ने बयान पर हमलावर कांग्रेस राहुल गांधी क्या बोले, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही संसद में चीन को जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है लड़ने के लिए, इस बारे में भी जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां दोस्तों, गोदी मीडिया को किया है बैन, उनके दो कार्यक्रम को जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम, जी हां दोस्तों, बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में अभी तक 5 मिलियन, जी हां दोस्तों, 50 लाख लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो 80,776 लोग अभी तक अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से दे चुके हैं। और बात करें कोरोना वायरस के मुख्य केंद्र बिंदु तो महाराष्ट्र में, यहां 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही, आने वाले कुछ समय में, जी हां दोस्तों, भारत जो है नंबर 1 के स्थान पर भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत जो है नंबर 2 के स्थान पर चल रहा है। बात करें न्यूज रिपोर्टर की, जी हां, गोदी मीडिया में आपने देखा होगा कि इन तमाम चीजों को जो है नहीं दिखाया जा रहा है। कहीं पर भी जो है कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर जो है कोई भी डिबेट नहीं रखी जा रही है। सरकार किस प्रकार इस पर विफल होती जा रही है, लगातार देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद, जी हां दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। भारत की GDP -23% गिर चुकी है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई भी जो है नई योजना घोषणा नहीं हुआ। बात करें बिहार चुनाव को लेकर, जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नई योजनाओं की घोषणा की है। वैसे देखा जाए तो इन तमाम चीजों से बात साबित होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को जो है सत्ता में लाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने से जुड़े कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के पक्ष में हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ निश्चित मानक तय कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा कि मीडिया में स्वयं नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें हर तरह की मानहानिकारी बातें कही जा रही हैं। जी हां, गोदी मीडिया के जो लगातार डिबेट्स हो रहे हैं, चाहे वो तबलीगी जमात को लेकर हो, चाहे सिविल सर्विस की परीक्षाओं में मुस्लिम समुदाय को लेकर हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब सामने से जो है बयान जारी करते हुए कहा कि अब इन गोदी मीडियाओं पर जो है कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही जल्द इनके तमाम कार्यक्रम जो अननेसेसरी है, यानी कि जो किसी खास विषय से नहीं है, जैसे अगर आप देख सकते हैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है लगातार सुशांत सिंह राजपूत, ड्रग्स, कंगना के रनौत के मामलों को लेकर जो है तूल देते जा रहे हैं, जबकि देश की सबसे अहम मुद्दे हैं बेरोजगार। जी हां दोस्तों, लोग बेरोजगार बैठे हुए, रोजगार का मुद्दा उठाइए, बिजली पानी के बिल की बात करें, GDP नीचे गिर चुका, उसे कैसे उठाया जाए इस बारे में बात करना चाहिए, सरकार से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, इन तमाम चीजों को जानेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है राजनाथ सिंह को लेकर। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने जो है संसद में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि मंगलवार को लोकसभा में चीन पर जमकर हमला बोला। हालांकि सीमा पर चीन के साथ जारी विवाद को लेकर राजनाथ के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने देश को गुमराह किया, यह रक्षा मंत्री के बयान से साफ हो गया है। जी हां दोस्तों, हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सामने आकर देशवासियों के सामने कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है, जो पूरी तरह से इस बात को साबित करता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी इस बात को जो है माना कि देश में कई जगहों पे लगातार जो है चीन अतिक्रमण करता हुआ है। इसी में, जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि रक्षा मंत्री के बयान से यह साफ हो गया कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया, हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था और रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे और चीन से हमारे देश की जमीन पर कब्जा जो है उसे वापस लेंगे, चीन को कब दिखाएंगे लाल आंखें, सुरजवाला ने कहा। जी हां, दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजवाला ने भी ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी पर कि उन्होंने कहा कि राजनाथ जी
देश सेना के साथ एकजुट है, पर यह बताए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस कैसे किया। मोदी जी ने चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में घुसपैठ न करने के बारे में गुमराह क्यों किया। रणदीप ने राजनाथ सिंह से सवाल पूछा कि चीन को हमारी सरजमी से वापस कब खदेड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि चीन को लाल आंख कब दिखाए जाएंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जी हां दोस्तों, देश को गुमराह किए जाने की बात को लेकर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है ट्विटर हैंडल पर जो है प्रधानमंत्री को घेर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ जो है देश को गुमराह किया और अभी तक गोदी मीडिया इन खबरों को सामने दिखाया नहीं जा रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि बात से साबित हो चुकी है सैटेलाइट तस्वीरों से, और अब रक्षा मंत्री ने भी साफ साफ कहा कि किस प्रकार चीनी सेना ने भारत की सरजमी पर जो है अतिक्रमण कर लिया और अभी तक उसे बाहर नहीं खदेड़ा। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही चीन के खिलाफ। जी हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन ने जारी किया है ट्रेवल एडवाइजरी, नागरिकों को दी है चेतावनी, यानी कि अब चीन में जी हाँ कोई भी टूरिज्म नहीं जाएगा इसके खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने अब आर पार की लड़ाई का जो है मोड़ दिखा रही है। मंगलवार को दोनों देशों ने एक साथ चीन के खिलाफ ट्रेवल एडवाइजरी जो है जारी किया। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों को चीन और हांगकांग की यात्रा करने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा कि अगर वह चीन या हांगकांग की यात्रा करते हैं तो उन पर मनमाने तरीके से हिरासत में ले जाने और मनमाने तरीके से स्थानीय कानून थोपे जाने का खतरा है। चीन का ब्रिटेन और अमेरिका के बढ़ेगा तनाव। जी हां, नॉन ट्रेवल एडवाइजरी से चीन का ब्रिटेन और अमेरिका से तनाव का जो है बढ़ना तय माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीनी छात्रा और नागरिकों के लिए वीजा नियमों का कड़ा कर दिया। चीनी सरकार के मुताबिक अमेरिका ने इस साल जुलाई से केवल 145 चीनी छात्रों को ही वीजा जारी किया। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में केवल 0.7% है। जी हाँ, लगातार चीन को लेकर यूरोप के कंट्री हो चाहे एशियन कंट्री हो, तमाम जगहों पे जो है चीन के खिलाफ लोगों ने जो है हल्ला बोल दिया है, क्योंकि चीन लगातार जो है फूट डालो की राजनीति करता है, अतिक्रमण की राजनीति करता है देश में। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर जो है चीन का बाइकआउट भी किया गया। भारत में तो उसके सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। और चीन को लेकर जी हाँ दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है कि कब वो सामने से कहेंगे कि अब चीन को जी हाँ दोस्तों अपनी सरजमी से खदेड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी चीन जो है हमारी सरजमी पर जो है अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना से लड़ाई के बीच देश लगातार अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि देश में जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 990,000 से ऊपर है, वहीं अब 38 लाख लोग जो है अभी तक जो है कोरोना की जो है ठीक हो चुके हैं, और इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के किसी भी देश में कोरोना से रिकवरी रेट नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 5,80,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि पिछले सप्ताह हमने कुल 76,00,000 टेस्ट किए गए थे। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या में देश में कुल मामले सिर्फ 1/5 ही है, यानी कि उन्होंने कहा कि देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें देश की कुल सक्रिय मामलों के 60% मामले हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र में 29% से अधिक, आंध्र प्रदेश में लगभग 9%, कर्नाटक में लगभग 10%, उत्तर प्रदेश में 6.8% और तमिलनाडु में लगभग 4.7% हैं। तो लगातार कोरोना वायरस को लेकर जी हाँ दोस्तों, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय जो है आंकड़े जारी करता है। और इसी बीच जो है एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट, यानी भारत देश में जो है रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, जो अपने आप में जी हाँ दोस्तों हम सभी के लिए बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है जो है विदेशों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यूरोप से कंट्रीज अगर हम मैच करें तो हमारे भारत के देश के जितने भी नागरिक हैं, एशिया के जो लोग हैं, उनमें ज्यादा जो है इम्यूनिटी पावर होता है, जो इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से बचाव करता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अंतिम सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय को लेकर। देश में इस समय अलग अलग, जी हाँ दोस्तों, जगहों पर लोकल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जा रहा है आम जनता के लिए। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे महाराष्ट्र मुंबई में हो, चाहे कोलकाता में आसनसोल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, जो है पैसेंजर ट्रेनों को इन तमाम जगहों पर जो है चलाया जा रहा है, क्योंकि देश में इस समय एग्जाम्स के टाइम्स है। बच्चों लोगों को एग्जाम सेंटर्स पर पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, इसलिए बच्चों के लिए साथ ही उनके पेरेंट्स के लिए भी जो है लोकल ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया गया है, ताकि सभी लोग जो है एग्जाम सेंटर तक अपने बच्चों को ले जा सके और ले जाके वापस भी ला सके। इन तमाम चीजों के साथ साथ जी हां दोस्तों, देश के अन्य अन्य हिस्सों में जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। देश में जहां लॉकडाउन को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है, उसी तरह जो है लॉकडाउन के बाद जी हां दोस्तों, जो है जो गाँव गए थे लोग, उन्हें जो है वापस लाने के लिए जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है, ताकि लोग आसानी के साथ सफर कर सके और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया गया। अगर आपको भी विस्तृत जानकारी चाहिए कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और कब कब चलाई जा रही है, तो आपको जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना होगा आपका नाम, और उसके बाद बताना होगा कि आपको किस रूट पे जानकारी चाहिए। जैसे आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, या मुंबई से आपको हावड़ा जाना है, या
या हावड़ा से आपको त्रिवेंद्रमपुरम जाना है या हैदराबाद से आपको जो है कहीं पर भी यानी देश के किसी भी हिस्से में आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जिया दोस्तों आपके रूट के बारे में बताना होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे आपके कमेंट बॉक्स में कि आपके रूट पर कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।